हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे मैप मेकिंग की क्लासेस। मैप मेकिंग की क्लासेस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, और उस डिस्कशन के बाद हम लोगों ने हमारी हिमालयन रिवर को कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले इंडस देखा था, फिर हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम देखा था, उसी में एक पार्ट थी यमुना रिवर सिस्टम, और उसके बाद से हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में देखे, काफी डिटेल में देखा। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, उसी में से आएंगे जो भी आने हैं। अब हम लोग जरा कंटिन्यू करते हैं अपने पेनिनसुलर इंडिया के साइड में, पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स को पहले देख लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं, बाकी आप टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से इवेल्युएट कराना चाहते हैं तो, एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। पेनिनसुलर रिवर के अगर बात करें तो देखिए हमारे पास जो रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर रिवर हैं, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, उसके बाद से दूसरे पार्ट को हम लोग नेक्स्ट डे देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें तो दे आर बेसिकली सिक्स रिवर्स विच आर इन द पेनिनसुलर इंडिया रीजियन, जैसे लूनी रिवर हो गई, साबरमती रिवर हो गई, शरावती रिवर हो गई, माही हो गया, तापी हो गया। तो बेसिकली ये वो रिवर्स हैं जो मूव कर रहे होते हैं हमारे अरेबियन पेनिनसुला में। तो अरेबियन पेनिनसुला इन द सेंस के अरेबियन सी में ये गिर रही होती है। तो लूनी, साबरमती, शरावती, माही, तापी एंड नर्मदा, इसमें से हम लोग बेसिकली टॉप थ्री की रिवर्स आज देखेंगे, उसके बाद से बॉटम थ्री की रिवर्स हम लोग कल देखेंगे। ये जितनी भी रिवर्स हैं ये सारी की सारी अरेबियन सी में जाकर के गिर रही होती हैं, और सारी तो नहीं लेकिन लूनी को छोड़ दिया जाए बाकी सारी रिवर्स जो होती है अरेबियन सी में ड्रेन हो रही होती हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं, ये सबका ओरिजिन देखते हैं, सबकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्या कुछ हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं फटाफट डिस्कशन आज का। सबसे पहले लूनी रिवर के बारे में बात करें तो देखिए लूनी रिवर जो निकल रही होती है वो अजमेर से निकल रही होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अजमेर से निकलती है, अरावली रेंज से निकलती है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में पहले सरस्वती रिवर हुआ करती थी और इस सरस्वती रिवर की ही ट्रिब्यूटरी लूनी रिवर हुआ करती थी, लेकिन सरस्वती रिवर समय के साथ में विलीन हो गई, वो अदृश्य हो गई, इनविजिबल हो गई, और केवल लूनी रिवर जो है वो बच गई थी। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, जैसे लिलरी हो गई, गुहिया हो गई, सागी, बांदी एंड सुकरी एंड जवाई। तो बेसिकली ये कुछ यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो हमारे एग्जाम के लिए हालांकि ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी राजस्थान पीएससी या आरएएस का एग्जाम वगैरह दे रहे होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इस तरीके की डिटेल्स में जाए। हमारे लिए देखिए लूनी रिवर केवल और केवल इसके ओरिजिन और इसके कहां पर ये ड्रेन हो रही है केवल और केवल इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी नहीं होती है इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आकर बात करें तो देखिए ये वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रिवर को, अरावली रेंज को ये ड्रेन कर रहा होता है, और ये एकमात्र रिवर है पूरे इंडिया की जो किसी समुद्र में, किसी ओशियन में, किसी सी में जाकर के नहीं गिरती है, बेसिकली ये लैंड पे ही केवल रह जा रही होती है, अजमेर से निकल रही होती है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि दिस रिवर बिकम्स ब्रैकिश आफ्टर बालटोरो, तो जैसे ही बालोत्रा से जैसे ही ये नीचे की ओर में उतर के आती है वैसे ये रिवर ब्रैकिश हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ये रिवर सैलाइन हो जाती है। सैलाइन होने के कारण से आगे जाकर के ये कई सारे झील वगैरह बना रही होती है, डिगना, डिडवाना एंड ऑल दैट, ये सब झील बना रही होती है, लेक्स बना रही होती है। बाकी साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, रन ऑफ कच्छ के पास में जाकर के खत्म हो जाती है, लेकिन ओशियन में ये नहीं ड्रेन होती है, तो ये चीज है। बाकी इसके डैम के बारे में बात करें तो देखिए बेसिकली दो डैम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, एक है दांतीवाड़ा डैम और दूसरा है सीपू डैम। तो ये दोनों डैम के बारे में आप लोग जानते रहिए कि क्या कुछ है। अगर इसके मैप के बारे में देख लें तो देखिए ये बेसिकली मैप है जो लूनी रिवर का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राजस्थान का एरिया है, ये बेसिकली राजस्थान का मैप है, यहाँ पर हमारी ये लूनी रिवर निकलती है जो कि यहाँ पर अजमेर साइड से निकल रही होती है, अजमेर से ये आगे बढ़ती है और बालोत्रा के पास से जब ये नीचे निकलती है तो ये देख सकते हैं लूनी रिवर रखी हुई है और यहाँ पर ये ब्रैकिश हो जाती है या फिर ये सैलाइन हो जा रही होती है। बाकी इसके बाद देख सकते हैं कि ये आपके रन ऑफ कच्छ में चली जा रही है, यहाँ पर नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज ये सब बनी हुई है ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेंड्रेटिक टाइप की यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज या ड्रेनेज बनी हुई है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी लूनी रिवर के बारे में।
जो दो इंपॉर्टेंट डैम है वो देखिए यहां पर साउथ में बने हुए हैं, दांतीवाड़ा एंड सीपू डैम। ये दोनों डैम के बारे में भी आप लोग जानते रहिए कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस इसी वजह से, और कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं जरा अपनी अगली रिवर के बारे में, दैट इज द साबरमती रिवर। साबरमती के आश्रम अगेन गुजरात में, गांधी जी का नाम याद ही होगा आप लोगों को, अहमदाबाद में पड़ रही होती है। ओके, साबरमती रिवर के बारे में बात करें तो इसकी ओरिजिन देखिए वो उदयपुर से हो रही होती है। उदयपुर में ऑलरेडी आपको पता है दिस इज द सिटी ऑफ लेक्स, ये जो है उदयपुर को बुलाता है सिटी ऑफ लेक्स। यहां पर यहीं से निकल रही होती है साबरमती रिवर, अरावली रेंज से निकल रही होती है और फिर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमारी यहां पर उदयपुर हो जाता है और इस तरीके से ये आगे मूव कर रही होती है आगे जाकर के। हालांकि कुछ और भी रिवर्स इसको मिलते हैं, जैसे माही हो गई, तापी हो गई, ये रिवर्स भी मिल रही होती है, लेकिन ये ड्रेन अल्टीमेटली चली जा रही होती है और ड्रेन कर रही होती है अरेबियन सी में, तो जाकर के ये अरेबियन सी में गिर जा रही होती है। अगर इसके बारे में, अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए एक छोटी सी ट्रिक आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां हाथी खड़ा होकर वॉच कर रहा है। किसको वॉच कर रहा है? सांप को वॉच कर रहा है। तो बेसिकली ये आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं। हालांकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगेन इस रिवर की एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफी डिटेलिंग हो जाती है और अगेन आरएएस के एग्जाम में ये आपको ज्यादा पूछे जा रहा होता है, यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक और ट्रिक अगर चाहिए आपको तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रिक आप देख सकते हैं कि वहां हाथी खड़ा होकर वॉच कर रहा है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि वाकाल और हारनव, ये हो जाएगी आपकी वहां। हाथी का मतलब हो गया हाथी मती, खड़ा का मतलब खरी, एंड वॉच करने का मतलब हो गया व्राक, और उसके बाद से यहां पर मैंने सांप लिखा है, खड़े होकर सांप को वॉच कर रहा है। सांप इज बेसिकली द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सांप आप क्या है, सांप के अलग अलग वैरायटी होते हैं, जैसे धामिन आपने नाम सुना होगा तो धामनी यहां से याद कर सकते हैं, सी सीरी ये क्या है, सांप की आवाज निकल के आती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वहां खड़े होकर हाथी खड़े होकर के वॉच कर रहा है सांप को। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर, दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू मेक यू रिमेम्बर कि ये सब चीजें कैसी आ रही हैं। चलिए खैर, बाकी डैम के बारे में बात करें तो देखिए धारोई डैम, ये दो इंपॉर्टेंट मतलब ये एक इंपॉर्टेंट डैम है जो याद रखना चाहिए आपको, बेसिकली फॉर योर नॉलेज ओनली, क्योंकि यूपीएससी में हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा। मैप में देखें अगर तो देखिए ये हमारी साबरमती रिवर का मैप दिख जाएगा आपको, जो कि देख सकते हैं आप टॉप से, यहां पर देखिए साबरमती रिवर है और ये गुजरात मतलब यहाँ राजस्थान के उदयपुर से निकल रही होती है। सी डैम के बारे में देख सकते हैं, सी रिवर पे आ रही होती है, ये आगे मूव कर रही होती है और अल्टीमेटली ये ड्रेन कर जा रही होती है अरेबियन सी में, तो अरेबियन सी में अल्टीमेटली जाकर के ये गिर जा रही होती है। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट साबरमती रिवर। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिवर को देखते हैं जरा, शरावती रिवर के बारे में। देखिए शरावती रिवर जो है वो कर्नाटका में है, दिस इज इन कर्नाटका, और इनफैक्ट ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, दिस इज इन शिमोगा, और शिमोगा का नाम ही शरावती से आप बोल सकते हैं। शरावती को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा शरावती, और एक्चुअल में यहां पर जो है शर नाम से पड़ी है, शर का मतलब, शर एक संस्कृत वर्ड है, दिस इज बेसिकली अ संस्कृत वर्ड, और इस शर का मतलब होता है एरो, एरो मतलब बाढ़। हुआ क्या था, एक छोटी सी एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो हमारे लॉर्ड राम थे और अपनी सीता जी के साथ में जा रहे थे, फिर सीता जी को प्यास व्यास लगी और उसके बाद से इन्होंने एक बाढ़ के सहारे, एक एरो के सहारे एक रिवर बहा दी, और उसके बाद अल्टीमेटली जो भी थर्स्टी लोग थे, जो भी मतलब प्यासे लोग थे, वो अल्टीमेटली यहाँ पर जाकर के पानी वानी पी लिए, और इस तरीके से शरावती रिवर वो निकल आ रही होती है। तो ये बेसिकली शरावती रिवर जो कि कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकल रही होती है। तो शरावती रिवर, वन सेकेंड लेट मी इरेज इट, शरावती रिवर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकल रही होती है और गिरसोप्पा फॉल बेसिकली बना रही होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं जॉग फॉल बना रही होती है, द मोस्ट स्पेक्टाकुलर वाटरफॉल इन इंडिया, जॉग फॉल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि वाटरशेड अनब्रेकिंग ये सब बना दिया रहा होता है, पलक्कड़ गैप में आ रही होती है, पालघाट में जो कि केरला के पास में पाया जा रहा होता है, तो ये चीज है। बाकी अगर इसके डैम के बारे में बात करें तो देखिए गिरसोप्पा डैम एंड लिंगन माकी डैम, ये दो इंपॉर्टेंट डैम है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये थी हमारी पूरी शरावती रिवर के बारे में। फटाफट इसका अगर मैप देखें हम लोग तो देखिए ये मैप दिख जाएगा आपको कर्नाटका का, कर्नाटका के मैप में देखेंगे तो ये देखिए लिंगन माकी यहाँ पर रिजर्वायर, या यहीं पर देख सकते हैं कि ये लिंगन
माकी डैम हो जाएगी। तो ये डैम हो जाती है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जॉग फॉल बना हुआ है या गिरसुप्पा फॉल बना हुआ है, यही वो शरावती रिवर है बेसिकली। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो शरावती रिवर, एंड दिस इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा नहीं सॉरी, यहाँ पर कृष्णा रिवर बह रही होती है और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं होती है। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिवर्स दिख जाएंगी जो या तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हो रही होती है या फिर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी हो रही होती है। जैसे यहाँ पर माल प्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, इस तरह से देख सकते हैं आप कि सारी की सारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जा रही होती है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या चीज है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा शिमोगा क्या है एंड ऑल दैट, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर, अगर कोई डाउट होता भी है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिए उसको, वहां पर अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।